नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे बड़ी सीक्रेट टेक्निक लेकर के आई हूं आज आप लोगों के लिए। यस, ये टेक्निक है। और सबसे बड़ी सीक्रेट क्यों है, ये सब कुछ अभी मैं शेयर करूंगी। आपको पता चलेगा कि ये सबसे बड़ा सीक्रेट क्यों है। क्या ऐसी नहीं बोल रही मैं, अभी बताऊंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों है ये सबसे बड़ा सीक्रेट। क्या है ये टेक्निक? यह है मौन की ताकत, द पावर ऑफ साइलेंस, शांति की ताकत। सबसे बड़ी पावरफुल सीक्रेट, गहरा रहस्य, यस, टॉप सीक्रेट टेक्निक। कुछ भी मैनिफेस्ट करने की, उन्नति के मार्ग में सुपर फास्ट तरीके से पहुंचने की, कुछ भी मैनिफेस्ट करना है सुपर फास्ट तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप इस मौन की ताकत को अपना ले तो। चलो देखते हैं मौन की ताकत। ठीक है, देखिए, अगर किसी इंसान को आदत है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने की, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपने रिश्ते खराब कर ले। बिना सोचे समझे बोल देना, अब्यूज कर दिया, नेगेटिव बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, है ना, इस चीज के चांसेस कि हम अपने रिश्ते खराब कर लें, काम की जगह पर खराब कर लें, काम ही खराब कर लें, नुकसान उठाएं। बहुत सारे लोगों के बीच में घिर करके बैठे हुए हैं। आदत है बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने की, तो वहां पर इस चीज के भी चांसेस हैं कि वहां पर कोई हमारी वैल्यू ही ना करे, कुछ भी बोल देते बिना सोचे समझे, है ना। लेकिन इसी जगह अगर हम सोच समझ करके बोलते हैं तो चांसेस क्या हैं कि हम अपने रिश्ते भी बचा लें, काम की जगह को भी बचा लें, नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के बीच में अगर हम घिर करके बैठे हुए हैं और हमें ये वाली कला आती है कि हम सोच समझ करके बोलते हैं, तो वहां पर हमारी जो बात होगी उसकी कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो ये तो हो गई यहां से बोले जाने वाली बात। यहां से हम जब सोच समझ के सोचिए बोलते हैं तो कितनी चीजों को बचा लेते हैं, और जब बिना सोचे समझे बोलते हैं तब हम कितनी चीजों को खराब करने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये तो यहां से है। आज बात करते हैं यहां से। ये है वो मौन की ताकत, ये है वो सबसे बड़ा सीक्रेट, ये है वो टॉप सीक्रेट टेक्निक जो कि यहां है। मौन की ताकत जो है वो हमें यहां से अपनानी पड़ेगी, क्योंकि सारा का सारा जो रायता फैला हुआ है वो यहीं पे फैला हुआ है। 24 घंटे के अंदर 65 से 70 हजार थॉट्स, जिसमें से ज्यादातर बेकार, कचरा, नेगेटिव, जो हमारे काम के ही नहीं है, वो होते हैं हमारे दिमाग के अंदर। तो चलो इसे ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे यह हमारे उन्नति के मार्ग को जो है सुपर फास्ट तरीके से आगे लेकर के जा सकता है, कैसे हम कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहें तो सुपर फास्ट तरीके से कर सकते हैं, कैसे इस मौन की ताकत से हम इतनी ज्यादा पावरफुल चीजें कर सकते हैं बहुत आसानी से, सुपर फास्ट। सुपर फास्ट टॉप सीक्रेट, कमाल की चीज है ये। चलिए एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको। दो रोड हैं, ठीक है, एक ही रास्ता है उसके लिए जाने के लिए। अब एक तो ऐसी रोड है जहां पर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां पड़ी हुई हैं जो पूरी तरीके से खराब हैं, जंग लगी हुई है, कोई पूरी तरीके से टूटी हुई है, वो जो एकदम खंडर में गाड़ियां नहीं पड़ी होती हैं, एकदम ही खराब, ठीक है, वो पूरी सड़क पर पड़ी हुई हैं, यानी कि हमारे नेगेटिव थॉट्स पड़ी हुई है और भी जमा होती जा रही है, और भी जमा होती जा रही है। 65 हजार से 70 हजार 24 घंटे के अंदर जमा होती है, तो मैं महीनों और सालों की तो बात ही क्या करूं। सोचिए इतनी गाड़ी वहां पर जमा है, ठीक है। अब इसके पीछे चार पांच हमने पॉजिटिव गाड़ियां लगा दी, थोड़ा थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हमने लगा दी यहां पर, ठीक है, और यहां पर वो पूरी की पूरी गाड़ियां पड़ी हुई हैं, और जो हमारी मंजिल है वो इसके बाहर है। ऑब्वियसली जब हम नेगेटिव थॉट से बाहर निकलते हैं तभी ये पॉजिटिव को जो है हम रास्ता दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर वो इतनी गंदी गंदी खराब खराब सड़ी हुई सी गाड़ियां पड़ी हुई हैं, यहां पर हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं जिनको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। अब यहां एक और रोड है, उसको भी अपनी मंजिल पर पहुंचना है, वो रोड पूरी तरीके से खाली है, और वहां पर हमने अपने पॉजिटिव थॉट्स लगाए, यानी कि वहां पर ये वाली गाड़ियां लगा दी,
चार पांच गाड़ियां यहां पर लगा दी और चार पांच गाड़ियां यहां पर लगा दी, लेकिन इसके आगे नेगेटिव थॉट्स का जंजाल है, 65,000 से 70,000 थॉट्स जिसका कभी ध्यान ही नहीं रखा जाता। ठीक है, अब रेस लगानी है। जवाब आपके पास है कि कौन पहुंचेगा मंजिल पर, कौन पहुंचेगा? ऑब्वियसली जिसकी रोड खाली है, कौन मैनिफेस्ट करेगा? जिसकी रोड खाली है। किसके लिए उन्नति का मार्ग खुला हुआ है? जिसकी रोड खाली है। इन्होंने तो मार्ग ही बंद कर रखा है। तो ये है यहां से मौन की ताकत, ये है यहां से मौन की ताकत। अब ये मौन की ताकत को हमें अपनाना कैसे है कि ये जो खराब गाड़ियां हैं ये हटें, ये यहां से हटें। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें करनी होती है मेडिटेशंस, ध्यान। ध्यान जो होता है ना, उसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लगाया जाता रहा है। ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं, क्यों? क्या पाने के लिए? गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, प्रेमी प्रेमिका, टॉप करना है किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बढ़िया वाली जॉब चाहिए, ये वाला बिजनेस सेट करना है, नहीं ना। वो ईश्वर को पाने के लिए ध्यान लगाते थे, ताकि ये जो कचरा है ये हटे, और जो उनकी गाड़ी है, जो उनका जो थॉट है ईश्वर के पास पहुंचने का, वो तेजी से पहुंच जाए। तो जब ध्यान लगाने से, वो कचरे को हटाने से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, अपनी थॉट उसके पास में जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सकती है, तो क्या ये भौतिक चीजें नहीं पाई जा सकती? उस मौन की ताकत से अगर हम उस परमात्मा को पाने की ताकत रखते हैं, तो ये भौतिक चीजों को पाने की ताकत नहीं रखते। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने मौन को खुद का स्वरूप बताया है। 10वें अध्याय में भगवान के ऐश्वर्य में जब आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे, वहां पर उन्होंने कहा है कि मैं मौन हूं, रहस्यों में मैं मौन हूं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये टॉप सीक्रेट है, रहस्यों में मैं मौन हूं। यानी कि जो मौन है वो कितनी पावरफुल चीज है। हम चुप रह के, यहां से चुप रह के कितनी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। तो सोचिए, जब हम यहां से चुप होना सीख जाएंगे तो यहां से तो खुद ब खुद ही चुप हो जाएंगे। 100% हल तो हमने यहीं से निकाल दिया, और जो 100 के ऊपर परसेंटेज जाती है, यानी कि सुपर फास्ट मैनिफेस्टेशंस, सुपर फास्ट सक्सेस, कुछ भी पाना है। स्टूडेंट्स, नई पढ़ाई होती है, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करो। मैंने मेडिटेशन के ऊपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं, इतनी सिंपल सिंपल मेडिटेशंस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा, बहुत आसान है। 5 senses मेडिटेशन, सेल्फ लव मेडिटेशन। तो इसमें क्या होता है, आपके जो थॉट्स होते हैं वो कम होते हैं, जो दिमाग होता है वो मतलब उतनी ही चीजों के बारे में सोचता है, सिर्फ और सिर्फ 5 senses पर ही लगा रहता है। जब आप 5 senses मेडिटेशन करते हैं तो सेल्फ लव मेडिटेशन, सिर्फ और सिर्फ उतनी चीजों पर ध्यान लगा रहता है, तो क्या होता है, वो जो कचरा है ना, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो धीरे धीरे करके साफ होते हैं। अब धीरे धीरे का मतलब है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आपने आज ही मेडिटेशन किया, एक महीना ही मेडिटेशन किया और सारा कचरा साफ हो गया। आपको मैंने इसलिए बताया कि 24 घंटे के अंदर 65,000 से 70,000 थॉट्स, इतनी कचरे वाली गाड़ियां हम वहां पर इकट्ठी करते हैं, तो सालों में सोचिए हमने कितनी इकट्ठी की हैं। तो क्या उसको थोड़ा टाइम नहीं लगेगा हटाने के लिए? जी हां, उसे हटाने के लिए टाइम लगेगा। आप जितना ज्यादा हो सके ध्यान, मेडिटेशन, यहां पर सोच विचार करके सोचना कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या सोच रही हूं। मैंने इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस किए हुए हैं कि हमें कैसे सोच करके सोचना चाहिए, हमें किस तरीके से अपने थॉट्स का जो है ख्याल रखना चाहिए। ये भी कचरा साफ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है, जैसे ही हम ख्याल रखते हैं तो चलो एक ही गाड़ी हटा दी, दो ही गाड़ी हटा दी, तीन ही गाड़ी हटा दी, गाड़ियां तो हट रही हैं। जमा होने से बेटर है कि हम वहां से उन गाड़ियों को हटाएं, क्योंकि हम रोज इतनी गाड़ियां इकट्ठी करते हैं, रोज डेली इकट्ठी करते हैं। तो अगर हम इसे हटाना चाहते हैं तो ये जो मौन की ताकत है, जो खुद स्वयं श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप का नाम दिया है कि भाई मैं रहस्यों में मौन हूं,
अपना करके देखा जा सकता है। उसने तो खुद ही रास्ता बता रखा है कि भाई मुझे पाने तक का रास्ता ये है, जहां पर आप जल्दी से जल्दी उन्नति कर सकते हो। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप जब मौन की ताकत को अपनाते हैं तो ये वाली रोड आपको चाहिए, जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करना है, हमें जल्दी से जल्दी करना है। बट यहां से अगर शांत नहीं है आप, वही सारी चीजें खतड़ पतड़ चल रहा है, थॉट्स का ख्याल नहीं रखते हैं आप, तो आपको लगता है कि यहां से ऐसे उड़न खटोला बनकर के आपकी गाड़ी चले जाएगी। नहीं नहीं वो नॉर्मल बाइक है, नॉर्मल है, और एक ही रास्ता है जाने का, नॉर्मल कार है, नहीं जा सकती। तो इसीलिए सोच करके सोचिए, जितना ज्यादा आप नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव हैंडल करने की कोशिश करेंगे उस सिचुएशन को, ये भी एक तरीका है उन सड़ी हुई गाड़ियों को हटाने का। सोच करके सोचना एक तरीका है, मेडिटेशन एक तरीका है। तो जब हम ये तरीके को अपनाते हैं तो बेसिकली यहां से मौन होना शुरू होते हैं, यहां से हम मौन नहीं है, हमारी आज लाइफ में उतरी पड़ी है वो सारी चीजें। देखिए कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी खिचड़ी पकी हुई है लाइफ के अंदर, क्या हो रहा है रिश्तों के अंदर, क्या हो रहा है काम की जगह पर, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स की लाइफ में, क्या हो रहा है परिवारों के अंदर, क्या हो रहा है। वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि एक परिवार में जितने सदस्य हैं सबके अंदर इतनी इतनी गाड़ियां जमा हैं। तो अगर कोई एक भी पूरे परिवार में, पूरे खानदान में, पूरे कुनबे में अगर कोई एक भी इस मौन की ताकत को समझ जाता है ना, सबको उद्धार कर देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है इस चीज की ताकत। तो जब उसकी ताकत को वो लोग देखते हैं तो उनको भी उसकी ताकत जो है समझ में आती है। एक बार आप ये ताकत के ऊपर काम करना शुरू करो, ये टॉप सीक्रेट को अपनाना शुरू करो, ये सीक्रेट आपको कहां पहुंचा देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए मेडिटेशंस को इतना ज्यादा प्रभावशाली बोला जाता है। इसीलिए अगर आप उसको सही तरीके से करते हैं ना, मेडिटेशन को ध्यान करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, सोच विचार का ख्याल रखते हैं, क्या सोचा मैंने, क्या थॉट्स आए, इससे मुझे नेगेटिव आया गंदी वाली गाड़ी जमा, पॉजिटिव आया एक गंदी गाड़ी हटा दी। तो बहुत सारे तरीके हैं, अपने तरीके ना थोड़ा क्रिएटिविटी डालो यार, थोड़ा सा ऐसा सोचो कि यार अगर मैंने अच्छा सोचा, मैं मुस्कुराई, मुझे अच्छी लगी ये वाली चीज, मैंने एक सड़ी हुई गाड़ी को हटा दिया, मेरा रास्ता क्लियर हो रहा है। तो वो जो रास्ता है वो आपको खुशी देता है, आपको हैप्पी हैप्पी रखता है। तो ये है हमारी मौन की ताकत, यहां से शांत होना है मौन की ताकत। यहां से जब ये ताकत को अपना लिया जाएगा ना, ये ताकत आपको ईश्वर से मिलवा सकती है यार। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, तो कोई इंसान है, ये कोई यूनिवर्सिटी है, ये कोई जॉब है, ये कोई बिजनेस है, ये कोई पैसा है, ये कोई बंगला है, ये यहां की चीजें हैं। जब वो उससे मिलवा सकती है ये ताकत, तो सोचिए ये आपको क्या नहीं दिलवा सकती। आप ऐसा चुटकी बन जाओगे, जिन बन जाओगे, जिन बन जाओगे। आप पढ़ सकते हैं जाकर के, फिर से बता रही हूं, 10वें अध्याय में भगवान का ऐश्वर्य के अंदर आपको मौन की ताकत के बारे में पता चल जाएगा। आप चाहें तो जाकर के पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहां पर पूरा खोल करके आपको डिटेलिंग में सब कुछ समझाया है। इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेलिंग करती हूँ चीजों की, क्या समझ आए, वो आसान हो जाए। जैसे मैं खुद अपनी लाइफ में इसे आसान करके उतारने की कोशिश करती हूँ ना, वैसे ही सेम टू सेम मैं आपको भी बता देती हूँ कि खुश रहो, इंजॉय करो, सोच करके सोचो। क्या सोचा, क्या सोचा, गाड़ी जमा करी, नहीं, ऐसे सोचो, देखो फिर आपकी लाइफ में क्या मजेदार चीजें होने शुरू हो जाएंगी। देखो आप कितनी जल्दी मैनिफेस्ट करते हो, देखो आप कितनी जल्दी तरक्की करते हो, देखो आपका कैसे रास्ता खुल जाता है, खुद ही खोल दोगे, क्योंकि गाड़ियां हटा दिया आपने, वो जो भंगार पड़ा हुआ था सबको हटा दिया, सारे कचरे को हटा दिया, क्लीन हो गया। लो दौड़ाओ गाड़ी, अरे गाड़ी क्या, खुद दौड़ जाओ यार, करके देखो, किए बिना कुछ नहीं हो सकता, करना ही होगा, प्रैक्टिकली उतारो। और उतारते के साथ में आपको ना चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोग जब शुरू शुरू में मेडिटेशन करते हैं तो उनको हल्का हल्का फील होने लगता है, किसी को बहुत भारी भारी फील होने लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा सोच सोच करके मेडिटेशन करें, हम मेडिटेशन करें, हम मेडिटेशन करें, नो, मेडिटेशन बहुत हल्की सी चीज है, बैठ गए, शांत हैं, थॉट्स को देख रहे हैं। मेडिटेशन का पहला स्टेप ही ये है
कि बैठें खुद को देखें क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ इतना देखना भी काफी है। क्या खुद को कभी हम देखते हैं, अंदर जा करके खुद को देखते हैं, क्या सोच रहे हैं वो देखते हैं? तो मेडिटेशन अगर आपको शुरू करनी है ना, तो यहां से शुरू करो। पहले खुद को देखो, क्या हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर, कहां कहां क्या क्या हो रहा है, क्या है मेरी बॉडी के अंदर। चलो आज जांच पड़ताल करते हैं, अंदर चलते हैं। एटलीस्ट बाहरी थॉट से तो हम अंदर जाएंगे, उतनी तो कम की हमने, उतनी कम मतलब कचरा हटाना। सोच करके सोचना शुरू किया तो उतना तो करा हमने, यानी कि कचरा हटाना। तो छोटे छोटे टिप्स हैं, इसको अपना करके ना ये मौन की ताकत आप देख सकते हैं। यस, मौन की ताकत को आप देख सकते हैं। करके देखो, उसके बाद में बताओ। मुझे एक्चुअली बड़ा मजा आता है ये सब करने में भी, और इसको ना इजी करके बताने में मुझे एक्चुअली, मैं सच्ची में बता रही हूँ कि मुझे ना बहुत मजा आता है। मुझे लगता है यार मैं ना जितना आसानी से खुद समझती हूँ उतना आसानी से किसी और को बता सकूँ, वो उस चीज़ का फायदा उठा सके, और वो फायदा उठा करके ना अपनी जिंदगी को अच्छा बना सके। तो बनाओ ना अपनी जिंदगी को अच्छा यार, जियो और शांत रहो यहां से। आई लव यू ऑल। अपने आप से करो ढेर सारा प्यार, क्योंकि जब आप अपने आप से ढेर सारा प्यार करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। अपनी सफाई करना शुरू कर दो। अपने आप से प्यार करना है ना, अपने आप से प्यार करना मतलब पहले अंदर से अपनी सफाई करना। आई लव यू। टाटा।